Ready. Tell me, sir, how difficult or comfortable was being part of this project as such a was it appealing to you when initially the project was offered to you? Yeah, मुश्किल एज अ प्रोजेक्ट सीम वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. आई थिंक जब मेरे पास आया तो जब मेरे पास राजीव जी ये प्रोजेक्ट लेकर आए सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. जबकि आई वॉज इन माई माइंड वेरी फिक्स्ड कि अभी मैं हॉरर थोड़े टाइम नहीं करूँगा. बट वेन ही गॉट द स्क्रिप्ट टू मी, वेन ही गॉट माई रोल टू मी, अवीर जो है तो अवीर वॉज नॉट अ विक्टिम विच यूजली आई प्लेड इन माई हॉरर फिल्म और इन अ थ्रिलर. दिस गाय इज समवन जो जो इन कंट्रोल है, वो इंटेंस है, वो मतलब उसकी उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं और उसने ओवर द टाइम ऐसी पावर्स गेन की हैं जिससे वो सोल्स को, इन शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है. तो वो पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा करने को. एंड उसके साथ में इसका एक रंगीन साइड भी है. इसकी मतलब ये बनारस से है तो इसकी एक बनारसी जो एक पंडित फैमिली से है बट वहाँ पर इसका जो कलर है वो बहुत ही डिफरेंट है. सो यू विल गेट टू सी अ डबल साइडेड गाय. एंड आई थिंक जो फिल्म में आके एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है तो आई वुड से दैट दैट्स व्हाट इंटरेस्टेड मी टू डू द फिल्म. जी जी हॉरर इज अ वेरी डिफरेंट जॉनर. इट्स ऑब्वियसली गॉट अ ग्रेट ऑडियंस. आज भी अगर आप हॉरर, फ्रैंकली स्पीकिंग हॉरर में लैंग्वेज का फर्क नहीं पड़ता है. It's basically it's about how you treat it and it's the background score, it's the way the performances are, it's the way I think the whole graph goes. तो उस एंगल से मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी आके हॉरर बना सकता है. उसके लिए बहुत डिटेलिंग चाहिए एंड उसमें ऑब्वियसली एक अच्छे प्रोड्यूसर का साथ चाहिए क्योंकि VFX जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड परफॉर्मेंसेज एंड टू शूट अ फिल्म इज स्टिल वेरी ईजी but to do proper VFX, to do a quality VFX and to give the right sound to it is very 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 important. And us angle se Rajiv Ruhia inhone Pishti jo banayi thi Saanse, which I was a part of also, it was a very good film, very nicely made film. So as per that I think he's done he's made Mushkil at a very good level. तो अब बाकी ऑब्वियसली ऑडियंस के हाथ में है कि उनको कैसी लगती है, उन्होंने कितना डर लगता है इससे, कितना वो एंजॉय करते हैं. एंड रेस्ट आपको आई थिंक कुणाल भी बताएंगे. जी रोमांस तो इनमें इसके बाद में बस रोमांस करने वाला हूँ. अभी कॉमेडी तो अभी बिल्कुल ही नहीं, बस मुझे रोमांस ही करना है. वो भी ग्रीस में नहीं, वो भी ग्रीस में नहीं. क्या है कि जब राजीव मेरे पास आए और ही रियली इमेजिन्ड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर. मुझे ज़्यादातर एक ही किस्म के रोल्स, कॉमेडी रोल्स ज़्यादातर मिल रहे थे. एंड आई थिंक कि इस बार मुझे एक बहुत ही ब्रैश, लाउड, फ्लर्टेशियस कैरेक्टर मुझे ऑफर की थी. एंड आई थिंक कि वो करना वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी. ऑल्सो आई थिंक कि मुझे बाहर गांव जाके, किसी विदेश जगह में जाके उन वादियों में एक रोमांस का गाना करना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. मतलब बचपन से लेके आप देखते आ रहे हैं कि भाई ये हीरो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ग्लेस पहनते हैं, लिनन जैकेट पहनते हैं और रोमांटिक सॉन्ग्स गाते हैं. तो वो भी मौका मुझे मिल गया. मुझे तो बहुत मज़ा आया वो करने में. एंड आई थिंक कि ज़्यादातर ये हॉरर फिल्में जो हैं वो सीक्वेंसेस के ऊपर बनती हैं. जो हॉरर सीक्वेंसेस आप बनाते हैं और उसमें बहुत टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही आसानी से आप ये कर सकते हैं. वो शूट करने में, वो एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगता है. बहुत प्रोडक्शन का सपोर्ट लगता है क्योंकि वहाँ पे डायलॉग्स शायद इतने ज़्यादा ना हो मगर सीक्वेंस बनाने में बहुत टाइम लग जाती है. तो वो करने में और उस कंडीशंस में, बहुत ठंड थी वहाँ पे और उन सारे कंडीशंस में हमने वो ये पूरी फिल्म एग्जीक्यूट की है. बहुत ही स्मूथली हमने शूट की है ये फिल्म. तो मुझे तो बहुत मज़ा आया ये फिल्म करने में और होपफुली लोगों को भी मज़ा आएगा ये फिल्म देखने में. तो देखते हैं कैसे. दोनों प्रोड्यूसर्स से जानना चाहूँगा सर, इतने सारे स्टारकास्ट को एक साथ लेके आना कितना इजी या डिफिकल्ट था और कितना इनपुट रहता था ऑन सेट या फिर जो भी शूट हो रहा था. डिफिकल्ट था आपसे नहीं, डिफिकल्ट तो नहीं. इट
was like a family only. Like, I never felt there was any problems. They were very cool. They were just focused in their work only. ऐसा कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें. एक महीना कैसे निकला पता ही नहीं चला. कितना इनपुट रहता था आप लोगों का जो स्क्रिप्ट के या फिर जो शूट होता था उसमें कितना मतलब. Like, I was not interfering at all in the shooting and all. Like, that was not my work. That was director's work. But initially, when I took the script, I liked the script. Script was jaanti, achhi thi script. And we wanted to execute it very nicely. That's why we chose in Greece. And not in Greece, we didn't go to the sea. Because it's known for the islands and beaches. We went to the hills. That is the first time somebody showing in Greece. Because normally, people, they go to beaches, Mykonos, Santorini. No, all the films they shot over there. This is something new. People, they don't believe that this is Greece first of all. There are people that don't know that they have mountains and the villages like this. It was a beautiful experience. Yep. Sir, common question from both of you. The actors hote hain jo, you know, they lot of offers, bahut kaam karte hain. मेरे ख्याल से जो जो ऑफर्स मेरे पास आती हैं मैं दो तीन चीज़ें देखता हूँ. मैं डायरेक्टर को देखता हूँ ऑफकोर्स वो कैसे इमेजिन कर रहा है व्हाट कैरेक्टर ही इज इमेजिनिंग फॉर मी. ऑल्सो मैं प्रोजेक्ट देखता हूँ मतलब हाउ इज़ द स्क्रिप्ट द स्टोरी एंड देन ऑफकोर्स आई ऑल्सो लुक एट कि हाउ इज़ दिस फिल्म गोइंग टू बी टेकन आउट टू द पब्लिक. वो कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं व्हाट बजट्स एंड हाउ इज़ इट गोइंग टू फाइनली कम आउट टू द ऑडियंस. आई थिंक वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो वो सारी चीज़ें लेके आप डिसीजन लेते हैं. आजकल तो ऑनलाइन स्पेस में भी बहुत सारी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करने का मौका भी मिल रहा है. तो वो सब लेके आप डिसीजन लेते हैं. But I think there is no nothing like called big or small. Yeah. Everything is for an artist. It's everything is big. There's nothing small. Yeah. और सर हॉरर को लेकर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं. जैसे हॉरर कॉमेडी हो गई. हॉरर में म्यूजिक म्यूजिकल हॉरर. तो सर उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे. स्त्री भी आई थी एक फिल्म जो हॉरर कॉमेडी थी. तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे हॉरर फिल्म. जी आई थिंक इट्स अ सुपर्ब स्पेस ये जो हॉरर कॉमेडी वाली है. यहाँ जो हॉरर के साथ एक्सपेरिमेंट होता है क्योंकि भूल भुलैया भी एक फिल्म थी जो एक बहुत बड़ी फिल्म थी एंड इट डिड रियली वेल. तो वो भी एक हॉरर कॉमेडी वाली स्पेस में थी. उसके बाद अब स्त्री आई है. अभी कुछ और फिल्में सडनली बन रही हैं जो सारी हॉरर कॉमेडी वाले जोन में जा रही हैं. एंड जैसा आपने बोला कि म्यूजिकल हॉरर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. आई थिंक हमारे डायरेक्टर ये सुनते ही उस पर झपट पड़ेंगे मुझे लगता है क्योंकि ये एक स्पेस ऐसी है जो अब तक ज़्यादा एक्सप्लोर इंडिया में नहीं हुई है. एंड या आई थिंक इसमें हम लोगों में से तो कोई भी मतलब एज एन एक्टर अगर आपको अच्छा रोल मिलता है तो आप वो देखते हैं. एंड आई वुड से कि अगर मुझे ऐसा कुछ मिले तो मैं क्यों नहीं करूँगा. और अब तक जितने भी गाने आए ऐसे लगता है कि बहुत ही अच्छे गाने हैं फिल्म में. तो आपको लगता है कि ये फिल्म भी हॉरर म्यूजिकल हो सकती है. जी डेफिनेटली इस फिल्म में सारे गाने तीनों गाने जो हैं वो बहुत बड़े हैं. एंड तीनों गाने इट कैन डेफिनेटली बिकम लाइक अ म्यूजिकल हॉरर हिट बिकॉज इट्स गॉट दैट स्कोप. इसमें पहला जो गाना आया टचवुड हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. एंड इसका जो नेक्स्ट दोनों गाने हैं वो भी बहुत अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं. सो वी आर होपिंग दैट यू नो द ऑडियंस लव्स इट. एंड एक बार उनके पकड़ में आ जाए तो ऑब्वियसली बात है कि फिर वो तो फिर एवरग्रीन हो जाते हैं. First time people will see Kunal singing also. Yeah. First time. And he's done it very well. He's not showing that it's the first song. Very nice. True. He's done it very well. Sir, aap bataiye kya sir aapka experience? It was nice and I've seen first time he was like doing a romantic number in a beautiful costume and good place and all. So I've noticed that he was little conscious about that and again after the cut he was coming on monitor. Oh my God, I'm doing this. I still, when I just went to see him first time and then he was saying, see, I can't be like, you know, don't make me like, you know, like SRK kind of posing and all. But finally he did that and it was a very romantic song and he was looking, I mean, amazing, transforming and he's looking very, very like good looking in that. Thank you. Very good looking in that. I just want to say कि जो production support हमें मिला है I know कि Big Bad Films this is the first production but it really seemed कि हमने दोनों we both worked on a lot of productions and I think कि
so smoothly the production was executed that it didn't feel like it was the first film being produced. बहुत ही difficult locations, बहुत ही ज़्यादा shifts थे वहाँ पे, एक जगह से लेके दूसरी तरह जा रहे थे. And I think the way in which the whole thing was organized was really, really professional. And hopefully, I know this is just the beginning, but this production company hopefully will go from strength to strength. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you.